गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे से मेरी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देखने वाली हूँ आप सबके साथ मिलके। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगा, तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। और इससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिस्टर वाइंस की है, तो प्लीज आप ओरिजिनल लिंक को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और उनके वीडियो को देखें और सपोर्ट करें। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, चलिए करते हैं। आई नो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, चलिए स्टार्ट। सारा खान मशहूर पाकिस्तानी सिंगर फलक शबीर के साथ निकाह के बंधन में बंध गई। हम आपसे उनकी निकाह की तमाम वीडियोस और चंद फन मोमेंट्स भी शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। सारा खान जो कि अपनी मासूम शक्ल और दिलकश पर्सनालिटी के बायस हर दिल अजीज हैं और हम उनको ड्रामाज और शूट्स में डिफरेंट ब्राइडल लुक्स में देख चुके हैं, लेकिन अपने निकाह वाले दिन वो बहुत हसीन लग रही थी और सबकी नजरें उन पर जमी थी। फलक शबीर ने सारा खान की बर्थडे पर उन्हें प्रपोज किया और एंगेजमेंट रिंग पहनाई। उन्होंने मायूं और मेहंदी का फंक्शन एक ही दिन धूमधाम से मनाया। अगले दिन उन्होंने निकाह सेरेमनी अरेंज की, जिसमें सारा खान अपने निकाह के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। सारा खान और फलक शबीर के निकाह के दौरान एक खुशगवार लम्हा तब देखने को मिला जब मौलवी साहब ने सारा खान के नाम को सायरा प्रोनाउंस किया और फलक शबीर काफी देर तक मौलवी की करेक्शन करवाते रहे, जबकि निकाह में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। सारा खाने की सारा या फिर सारा खाना। ये तो हम सब जानते हैं कि सारा खान बहुत धीमा बोलती हैं। जब उन्होंने मौलवी के पूछने पर कबूल है बोला तो मौलवी साहब ने कहा जरा जोर से बोलें, जिस पर सारा खान हंसने लगी। जबकि दूसरी तरफ फलक शबीर ने कबूल है बहुत लाउड आवाज में पुरजोश होकर बोला। निकाह के बाद फलक शबीर ने सारा खान के लिए खूबसूरत अंदाज में अपनी आवाज में गाना गाया, जो कि एक ब्रेथटेकिंग मोमेंट था और ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। इस मौके पर सारा खान बहुत खुश नजर आ रही थी, जो कि इनकी निकाह की वीडियोस और तस्वीर से साफ नजर आ रहा है। आप लोगों की तो लग गई भाई। Hashtag wedding goals.
ठीक लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। के बाद एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया गया था जिसमें दोनों ने एक साथ खाना खाया। फलक शबीर और सारा खान दोनों ही अपने निकाह के मौके पर बहुत खुश नजर आ रही थी। सारा खान ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम सारा खान से तब्दील करके मिसेस फलक कर दिया है और उन्होंने मेहंदी से हाथों पर फलक के दोनों लिखा रखा था, जबकि फलक शबीर ने वाइट पीन सारा का टैटू अपने बाजू पर बनवाया हुआ है। अब लोगों की नजरें सारा खान और फलक शबीर की शादी के बाकी फंक्शंस पर जमी हुई है। हम आपको सारा खान और फलक शबीर की शादी के दूसरे फंक्शंस की भी तमाम वीडियोस सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस। वेल दोस्तों, कि बहुत ज्यादा ओवर क्यूटनेस से लोडेड था। आई थिंक बॉयज आप जितने भी हो उनके लिए तो मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया। गर्लफ्रेंड आप लोगों की बोलेगी भाई ऐसे करो, उसने ऐसे किया था, प्लीज ऐसे करो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की तो लगी परी होगी क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आ गए होंगे और इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे वो दोनों। और ये बात तो सच है, सारा खान को मैंने वो यूट्यूब का एक सीरीज आता है समीना पीरजादा, उसमें इंटरव्यू देखा था। वो बहुत ज्यादा धीमे बोलती है, बहुत सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा ईयरफोन लगा के सुनना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा प्यारी है वो और बोलती कितना अच्छा है, मतलब इतना स्वीटली कामली नो आर्टिकुलेटेड वे में बात करती है, बहुत अच्छा लगता है। और उनके हस्बैंड फलक शबीर आई थिंक इंडिया में भी इन्होंने गाना गाया है नौटंकी साला, आई थिंक आई गेस, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन सीरियसली तो और वो उनके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। सबका भी हैशटैग वेडिंग गोल सेट हो गया होगा ये सारे फोटोग्राफ्स जितने वायरल हो रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू, टेक केयर।